हमारे चैनल फैक्ट फ्रेंजी में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां हम अंतरिक्ष के चमत्कारों और उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति का पता लगाते हैं जो इसे संभव बनाती है। आज के वीडियो में हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में टॉप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे। अभूतपूर्व दूरबीनों से लेकर अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान तक, इन इनोवेशंस ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया आकार दिया है और नई सीमाओं के द्वार खोले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला तकनीकी चमत्कार हबल स्पेस टेलीस्कोप है। 1990 में लॉन्च किए गए हबल ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। अपनी उच्च रिजोल्यूशन छवियों और सटीक मापों के साथ हबल ने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए लुभावने दृश्य और महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है। इसने हमें ब्रह्मांड की उम्र समझने, एक्सोप्लैनेट की खोज करने और ब्लैक होल के रहस्यों को जानने में मदद की है। इसके बाद हमारे पास क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे मंगल ग्रह के रोवर हैं। इन रोबोटिक खोजकर्ताओं ने लाल ग्रह के बारे में हमारे ज्ञान को काफी उन्नत किया है। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से सुसज्जित, उन्होंने मंगल ग्रह के परिदृश्य का अध्ययन किया है, मिट्टी और चट्टान के नमूनों का विश्लेषण किया है और यहाँ तक कि पिछले सूक्ष्म जीव जीवन के संकेतों की भी खोज की है। इन रोवर्स ने मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशनों का मार्ग प्रशस्त किया है। आयन प्रोपल्शन एक और अभूतपूर्व तकनीक है जिसने अंतरिक्ष यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। पारंपरिक रासायनिक रॉकेटों के विपरीत, आयन प्रोपल्शन इंजन आयनों को गति देने, उच्च गति और ईंधन दक्षता प्रदान करने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। इस तकनीक को कई मिशनों में नियोजित किया गया है, जिसमें नासा का डॉन अंतरिक्ष यान भी शामिल है, जिसने बौने ग्रह सेरेस और क्षुद्र ग्रह वेस्टा की खोज की थी। आयन प्रोपल्शन हमें अपने सौर मंडल में आगे तक पहुँचने में सक्षम बना रहा है। स्पेस टूरिज्म कई लोगों के लिए एक सपना रहा है और टेक्नोलॉजिकल प्रगति के लिए धन्यवाद, ये एक वास्तविकता बन रहा है। SpaceX और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां नागरिकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रियूजेबल रॉकेट्स, रॉकेट और अंतरिक्ष यान विकसित कर रही हैं। इन कंपनियों का लक्ष्य अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाना और अंतरिक्ष प्रेमियों की नई पीढ़ी को प्रेरित करना है। भारहीनता का अनुभव करने और पृथ्वी को ऊपर से देखने के रोमांच की कल्पना करें। लूना गेटवे, नासा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों द्वारा नियोजित एक अंतरिक्ष स्टेशन, भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यह उल्लेखनीय परियोजना चंद्रमा की सतह पर चालक दल के मिशन को सुविधाजनक बनाएगी, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को अनुसंधान करने और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की स्थापना करने की अनुमति मिलेगी। लूना गेटवे मंगल ग्रह के मिशन सहित गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इन तकनीकी प्रगति ने अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को बढ़ावा दिया है और उन संभावनाओं को खोला है जो कभी अकल्पनीय थीं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की आश्चर्यजनक छवियों से लेकर मार्स रोवर्स की खोजों और अंतरिक्ष पर्यटन के वादे तक, हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक रोमांचक युग देख रहे हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कौन जानता है कि ब्रह्मांड की विशालता में कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही है। आइए क्यूबसेट, छोटे उपग्रहों के बारे में बात करें जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बड़ा प्रभाव डाला है। क्यूबसेट लघु उपग्रह हैं जो लागत प्रभावी हैं और तैनात करने में आसान हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और यहाँ तक कि हाई स्कूल के छात्रों को अंतरिक्ष अभियानों में भाग लेने में सक्षम बनाया है। क्यूबसेट पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करने, मौसम के पैटर्न की निगरानी करने और अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करने में सहायक रहे हैं। जबकि हबल स्पेस टेलीस्कोप एक आइकॉनिक ऑब्जर्वेटरी रही है, क्षितिज पर नई अंतरिक्ष दूरबीनें हैं जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाएंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप होगा। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यह इंफ्रारेड लाइट में ब्रह्मांड का निरीक्षण करेगा, दूर की आकाशगंगाओं, तारा निर्माण और यहां तक कि रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की क्षमता का खुलासा करेगा। एक तकनीक जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना रास्ता खोज लिया है वह 3D प्रिंटिंग है। लंबी अवधि के मिशनों पर, जैसे कि मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशन, साइट पर उपकरण और स्पेयर पार्ट्स बनाने की क्षमता होना आवश्यक है। 3D प्रिंटिंग अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति देती है, जिससे पुनः आपूर्ति मिशनों की आवश्यकता कम हो जाती है और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के दौरान आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। लेजर संचार, जिसे ऑप्टिकल संचार के रूप में भी जाना जाता है, अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच तेज और अधिक कुशल डेटा स्थानांतरण प्रदान करता है। पारंपरिक रेडियो तरंगों की तुलना में लेजर बीम उच्च बैंडविड्थ प्रदान करते हैं, जिससे कम समय में बड़ी मात्रा में डेटा प्रसारित करना संभव हो जाता है। इस तकनीक का नासा के चंद्रटोही ऑर्बिटर द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है और उम्मीद है कि यह भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंत में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक अनिवार्य उपकरण बन गई है। AI एल्गोरिथम उपग्रहों और रोवर्स द्वारा एकत्र किए गए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को पैटर्न की पहचान करने, खोज करने और मिशन की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने में मदद मिलती है।
AI ऑटोनोमस नेविगेशन और निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है, जिससे अंतरिक्ष यान को वास्तविक समय में बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की अनुमति मिलती है, जिससे एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि होती है। क्यूबसेट और आगामी अंतरिक्ष दूरबीनों से लेकर 3D प्रिंटिंग, लेजर संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति तक, ये तकनीकी प्रगति अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार दे रही है। प्रत्येक सफलता के साथ हम अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और पृथ्वी से परे अपने क्षितिज का विस्तार करते हैं। जैसे जैसे हम इनोवेट और खोज जारी रखते हैं, अंतरिक्ष में हम जो हासिल कर सकते हैं उसकी संभावनाएं और भी असाधारण हो जाती हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस जर्नी थ्रू द टॉप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। यदि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और रोमांचक लगा तो इसे अवश्य देखें और अपने साथी अंतरिक्ष उत्साही लोगों के साथ साझा करें। ब्रह्मांड के आश्चर्यों पर अधिक कैप्टिवेटिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें और सितारों तक पहुंचते रहें।